हाँ, इरेशन और फ्लड के कारण ये यहाँ पर एक बड़ा बाजार था, उसे मंगलवरिया बाजार कहता था। एक दो साल में ही वो कम से कम 50 घर में लोगों का घर था। ये इरेशन के कारण अभी भी टूट गया है और इरेशन बहुत ज़्यादा है। हमारा ये संद है कि सस्पेक्ट है कि अगले 2-3 सालों में एक गाँव नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तुरंत इस इलाके को बसाइए, सोल्यूशन कीजिए, हम लोगों को बसाइए। ये बताए, मेरा ये मेरा घर था, एक महीने में इरेक्शन के कारण मेरा घर टूट गया है। अभी मैं एक दूसरी आदमी के घर में रह रहा हूँ, मेरे अभी कोई घर नहीं। फैमिली में कितने में मेरे फैमिली में मेरी दो बेटियाँ है, माँ है, फैमिली है। तो अभी दूसरे घर में, दूसरी के घर में अभी उसमें भी बहुत पानी है, इतनी से पानी है। हम उससे सोरकोर अभी एक शिविर में रह चुके हैं, रिलीफ कैंप में। तो यहाँ पर देखे थे कि बहुत सारे फैमिली भी इफेक्ट हुए। हाँ, ये थे करीबन 100 फैमिली होगा, एक महीने 2 महीने के अंदर ये इरेक्शन के कारण उसके घर टूट गया है। वो अभी दूसरी जगह में कोई रिलीफ कैंप या कोई दूसरी जगह में रह ठहरा है। हाँ हाँ, इरेक्शन और फ्लड के कारण ये यहाँ पर एक बड़ा बाजार था, उसे मंगलवरिया बाजार कहता था। एक दो साल में ही वो कम से कम 50 घर में लोगों का घर था। ये इरेक्शन के कारण अभी भी टूट गया है और इरेक्शन बहुत ज़्यादा है। हमारा ये संद है कि सस्पेक्ट है कि अगले 2-3 सालों में एक गाँव नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तुरंत इस इलाके को बसाइए, सोल्यूशन कीजिए, हम लोगों को बसाइए। बहुत सारे लोगों को सिमिलर प्रॉब्लम फेस करना। हाँ हाँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम के कारण कोई घर इस साल भी इस पानी के कारण बहुत सारे घर टूट गए हैं, बहुत प्रॉब्लम है। तो फ्लड और इरेशन दोनों दोनों चल रहा है, दोनों चल रहा है, एक साथ चल रहा है, लोगों का कोई उपाय नहीं। तो आपका अभी आपके घर भी नहीं है? नहीं, मेरा घर अभी घर नहीं, मैं दूसरे के घर में रह रहा हूँ। फ्लड होने से अपना का 100 या 100 की ज़्यादा जो घर है वो सारा टूट गया, और 200 की अभी भी 200 घर का जिसे हो गया ना, ये आपका A50 हो रहा है एडिशन के वजह से। तो फ्लड भी हो रहे हैं? हाँ, लोगों के घर में भी पानी घुस गया, घर में पानी घुस गया, पूरा पानी घुस गया, और घर टूट भी गया, 100-150 घर ऐसे टूट गया, नदी का बीच पे चला गया। बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ये थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, ये जितना घर टूट गया ना, सारा सपना टूट गया आदमी का। जैसे कि हाँ, ये आपका इधर तो पूरा आपका पूरा एक गांव था, एक गांव गया नदी में गया, चला गया एक गांव। मतलब अभी जितने भी लोगों का ये घर टूट गया है, सभी अभी रास्ते में है। हाँ, रास्ते में रूट में रह रहा है, इधर आप जाएंगे तो आगे मिलेगा आपको रूट में, ये तंबू टना के त्रिपल टना के ऐसे रूट में आदमी खाना खा रहा है, सब लोग ऐसे ही सो रहा है, दिन में भी सो रहा है, रात में भी ऐसे ही रूट पे रहा है। पहले यहाँ पर ही घर था? हाँ, पहले इधर ही गाँव था, पूरा गाँव था, इधर एक गाँव था, बड़ा सा गाँव था, वो सारा चला गया, पानी के अंदर चला गया। हाँ, बहुत मतलब बहुत तकलीफ हो गया। अगर गवर्नमेंट में कोई देखेगा तो, अगर ये बांध का प्रॉब्लम आएगा तो बांध दिएगा तो अच्छा होगा। जैसे कि उधर भी नलबारी डिस्ट्रिक्ट में उधर आपको मतलब क्या बोले, पीस करके दे दिया, अच्छा हुआ, उधर नहीं टूट रहा है अभी। अगर ऐसा इधर भी किया तो हम गांव वाले को अच्छा होगा, सुरक्षित रहेगा हम लोग।